मित्रों, एक बार फिर से आपके प्यार और सपोर्ट के कारण तथा गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए उनकी सुंदर सी जीवनी की ओर चल रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम इसे देखने के लिए, जानने के लिए हमसे जुड़ें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ। इन्होंने अपने पिता के बाद 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु के पद से सत्तासीन हुए। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी जैसे पवित्र त्यौहार के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख समुदाय का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और इन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। अकाल तख्त में चंडी दीवार नामक, अकाल उस्सत नामक नाटक में उनकी आत्मकथा आज भी वर्णित है, संकलित है। गुरु जी ने गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों से 14 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। उनके दो प्यारे बेटे 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को जोरावर सिंह फतेह सिंह नामक दीवार में चुनवा दिए गए। अंत में जब कुछ नहीं बचा तो वजीर खान ने धोखे से उन पर वार करवा दिया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में ये मेरे प्यारे गुरुजी शहीद हो गए। उन्हीं की याद में हम आज भी उनको सजदा करते हैं, नमन करते हैं।